इसीलिए यहाँ पर की गई है कंसील्ड पाइप। दूसरी विंडो आ जाती है उस तरफ, यहाँ से लेकर आपके मास्टर बेडरूम तक कनेक्ट है। जो अग्नि है, जो पानी है, वो साथ में नहीं होने चाहिए। इस एयर क्वालिटी काफी प्योर रहने वाली है। आपको मिल जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज का जो प्रोजेक्ट है ये काफी यूनिक है। आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली एयर क्वालिटी काफी प्योर रहने वाली है और जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर का टेम्परेचर हमेशा उससे कूल रहने वाला है और इसका रीजन जानेंगे हम वीडियो के एंड में। अभी बात करते हैं लोकेशन की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है मामूडी लोकेशन में और ये लोकेशन आती है PCMC के अंडर और PCMC का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वेल प्लान्ड है। और ये जो लोकेशन है, यहाँ पर आपको इंडिया के बड़े बड़े डेवलपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि लोधा, गोदरेज और कोलते पाटिल। प्लस यहाँ पर मुंबई के बड़े डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पर इस लोकेशन पर लैंड खरीदी हुई है। तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर में वो डेवलपर्स भी यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तो इसीलिए इस लोकेशन के लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जूरियस रहने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसी के पास में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 2 BHK का रेंट चल रहा है 22 से 25 हज़ार। तो ये लोकेशन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो अच्छी है ही, प्लस साथ में ये एंड यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है फ्री होल्ड लैंड पर और इसे बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है टनल फॉर्म टेक्नोलॉजी का। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे आपके बिल्डिंग की लाइफ लगभग 90 ईयर्स तक हो जाती है। जो डिवेलपर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं उनकी लीगेसी 125 ईयर्स पुरानी है। इस प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 BHK का शो फ्लैट रेडी हो चुका है जिसका कार्पेट एरिया है 947 स्क्वायर फीट। तो चलिए हम जल्दी से उसका एक क्विक टूर कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं शो फ्लैट के सामने और जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाती है एंट्रेंस लॉबी। और जो ये एंट्रेंस लॉबी है इसका साइज है 3.5 x 3.11। ये प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। तो आ जाइए अंदर। यहाँ पर आ जाता है इसका लिविंग डाइनिंग एरिया, जो इसका साइज है वो है 12 by 17। आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगाया हुआ है स्मोक डिटेक्टर और फायर वाटर स्प्रिंकलर्स। सेफ्टी पर्पज से तो बहुत अच्छा ही है, प्लस साथ में आपके घर का लुक खराब ना हो इसीलिए यहाँ पर की गई है कंसील्ड पाइपिंग। प्लस आपको सोफा लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है और इसी के सामने वाली वॉल पर आपको प्रोविजन दिया हुआ है टीवी लगाने के लिए। यहाँ पर आप लगा सकते हैं 4-सीटर डाइनिंग टेबल और इस लिविंग रूम के साथ में आपको मिल जाती है बालकनी। और जो ये बालकनी है इसका साइज है 10 x 4.11। जो आप नीचे की फ्लोरिंग देख रहे हैं ये वुडन फिनिश के प्लैंक्स है, प्लस आपको साइड में इस तरह की रेलिंग मिलने वाली है। इसकी हाइट लगभग 5 फीट है। ये बालकनी ऊपर से कवर रहने वाली है, प्लस आप बालकनी में इस तरह से प्लांट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन की तरफ। डाइनिंग एरिया के इस तरफ आ जाती है आपकी किचन। जो ये किचन है इसका साइज है 8 by 9। किचन में आपको यहाँ पर एल शेप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यहाँ पर आप अपनी गैस रख सकते हैं, इस तरह आप अपना ओवन रख सकते हैं और आपको यहाँ पर सेपरेट प्लेटफॉर्म मिल जाता है सिंक के लिए। और उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोग वास्तु में बिलीव करते हैं, उन्हें लगता है कि जो अग्नि है, जो पानी है, वो साथ में नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर सेपरेट किया गया है। इस तरफ आपको जगह मिल जाती है फ्रिज लगाने के लिए और इस किचन के साथ में आपको मिल जाती है ड्राई बालकनी। और जो ये ड्राई बालकनी है इसका साइज है 5.2 x 4.7। ये भी ऊपर से कवर रहने वाली है। वॉशिंग मशीन आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आपको यहाँ पर किचन में इस तरह से प्रोविजन मिल जाता है अपना एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए, प्लस आपको एक्चुअल फ्लैट में भी इसी तरह का डोर मिलने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
मेरे लेफ्ट साइड में आ जाता है फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर है कॉमन वॉशरूम, उसके बाद में है सेकंड बेडरूम और मेरे बिल्कुल पीछे आ जाता है आपका मास्टर बेडरूम। और आप सोच रहे होंगे कि ये लॉबी है तो इसलिए हमारा ये एरिया वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर मिल जाती है स्टोरेज के लिए स्पेस और ये स्पेस यहाँ से लेकर आपके मास्टर बेडरूम तक कनेक्ट है। आप इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस आप इसको अपने मास्टर बेडरूम के साथ में भी एक्सेस कर सकते हैं। जो इसका साइज वो है 8.7x3.5। तो चलिए आ जाइए फिर इस तरफ। जो ये बेडरूम है इसका साइज है 10x10। आपको यहाँ पर काफी वाइड विंडो मिल जाती है। जो नीचे का ये ग्लास है ये फिक्स रहने वाला है, ऊपर का है स्लाइडिंग। प्लस आपको हर एक रूम में यहाँ पर मिल जाता है क्रॉस वेंटिलेशन, आपको एक वाइड विंडो यहाँ पर मिली है, प्लस आपको दूसरी विंडो इस तरफ दी गई है और आप इस वाली वॉल पर अपने बच्चों का स्टडी टेबल लगा सकते हैं और यहीं पर कबर्ड भी डिजाइन कर सकते हैं। और इसी के ऑपोजिट में आ जाता है कॉमन वॉशरूम। और जो ये कॉमन वॉशरूम है इसका साइज है 4.7x7.6। जो आप नीचे के टाइल्स देख रहे हैं ये एंटीस की टाइल्स है, जितने भी यहाँ पर फिटिंग्स है सारे के सारे प्रीमियम है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के यहाँ पर फिटिंग्स है। प्लस आपको यहाँ पर वॉश बेसिन के साथ में भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है सामान रखने के लिए और आपको इस तरफ भी प्लेटफॉर्म दिया गया है सामान रखने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। मेरे राइट साइड में आ जाता है सेकंड बेडरूम और जो ये बेडरूम है इसका साइज है 10x11। आपको इस रूम में भी मिल जाता है क्रॉस वेंटिलेशन, एक विंडो आपको मिल जाती है इस तरफ और दूसरी विंडो आ जाती है उस तरफ। आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपना बेड और इसी के सामने वाली वॉल पर आप चाहे तो लगा सकते हैं टीवी। प्लस मेरे ऑपोजिट वाली वॉल पर आपको स्पेस दी हुई है कवर डिजाइन करने के लिए और इस रूम के साथ में आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम। और जो ये वॉशरूम है इसका साइज है 7.6x4.7। जो नीचे के आप टाइल्स देख रहे हैं ये एंटीस की टाइल्स है, आपको यहाँ पर भी वॉश बेसिन के साथ में प्लेटफॉर्म दिया गया है सामान रखने के लिए, प्लस आपको यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और इस रूम के भी जो फिटिंग्स है वो सारे के सारे प्रीमियम फिटिंग्स है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके मास्टर बेडरूम में। और ये है आपका मास्टर बेडरूम। जो इसका साइज है वो है 10.8x13। ये रियली में काफी स्पेशियस है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं अपना कबर्ड, प्लस यहाँ पर आप चाहें तो ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं। इस तरफ आपको स्पेस दी गई है बेड लगाने के लिए और यहाँ पर भी आपको मिल जाता है क्रॉस वेंटिलेशन, एक विंडो आपको इस तरफ दी गई है और इस रूम के साथ में आपको मिल जाती है बालकनी। और जो ये बालकनी है इसका साइज है 8.9x4.5। आपको ये बालकनी भी कवर मिलने वाली है, प्लस जो आप ये नीचे की फ्लोरिंग देख रहे हैं ये वुडन फिनिश के प्लैंक्स हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम में। इस तरफ आ जाता है इसका वॉशरूम। जी वॉशरूम है इसका साइज है 5x8। जो आप नीचे टाइल्स देख रहे हैं ये एंटीस की टाइल्स है, इस वॉशरूम में भी आपको सारे के सारे प्रीमियम फिटिंग्स मिल जाते हैं। इस तरफ आ जाता है WC और मेरे राइट साइड में आ जाता है वेट एरिया और मेरे पीछे है वॉश बेसिन। तो चलिए अब हम चलते हैं लिविंग रूम में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी ज्यादा अधिक डिटेल्स। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है मामूडी लोकेशन में और ये एक मिनी टाउनशिप है जो फैली हुई है 60 एकड़ में। और इस टाउनशिप के अंदर आपको मिल जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये है कि सारी बेसिक फैसिलिटीज आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही मिल जाती है, आपको बेसिक फैसिलिटीज के लिए प्रोजेक्ट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साथ में प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला है एक मिनी मॉल और साथ में आने वाला है एक इंटरनेशनल स्कूल। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली एयर क्वालिटी काफी प्योर रहने वाली है,
तो उसका रीजन ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर लगाए जा रहे हैं 3000 से भी ज्यादा पेड़, 1.9 लाख श्रब्स, 50 प्लस पाम ट्रीज। जहां पर इतनी ग्रीनरी होगी तो वहां की एयर तो काफी प्योर होने ही वाली है। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट में मिलने वाले फ्लैट्स की, तो यहां पर 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो 1 BHK का यहां पर कारपेट एरिया है वो है 501 स्क्वायर फीट और जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 52.9 लाख रुपीज से। जो 2 BHK का मिनिमम कारपेट एरिया है वो है 747 स्क्वायर फीट और जिसकी प्राइसिंग होती है 76.9 लाख रुपीस से। जो 2 BHK का बड़ा कारपेट एरिया है वो है 763 स्क्वायर फीट और जिसकी प्राइसिंग शुरू होती है 78.9 लाख रुपीस से। जो आपने ये शो फ्लैट देखा, इसका कारपेट एरिया है 947 स्क्वायर फीट और इसकी प्राइसिंग शुरू होती है 95.9 लाख रुपीस से। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 35 प्लस प्रीमियम एमिनिटीज मिल जाती हैं और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपको 5 फंक्शनल पूल मिलने वाला है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी की सारी प्रीमियम एमिनिटीज मिलने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट का पोजीशन है जून 2027 बाय रेरा। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट और आपके लिए साइट विजिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपके घर पर आए, आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करें, तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारी सारी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। साथ में हम आपकी मदद करते हैं होम लोन प्रोसेसिंग में भी। अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का वर्चुअल टूर, तो हम आपको जूम मीटिंग के थ्रू वो भी करा सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप लिंक से भी। साइट विजिट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमें अभी तक इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, हमें फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।